राजकीय रेफरल चिकित्सालय में प्रसूताओं से बच्चे के जन्म पर मिठाई के नाम पर की जा रही अवैध वसूली की जांच के मामले में जिला मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर कप्तान सिंह डीग चिकित्सालय पहुंचे, जहां उनके अकस्मात पहुंचने पर चिकित्सकों व कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान CMHO कप्तान सिंह ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए उक्त मामले में स्टाफ नर्स व चिकित्सकों से जानकारी ली। वहीं CMHO डॉक्टर कप्तान सिंह ने बताया कि विगत दो दिन पूर्व प्रसूताओं से लेबर रूम में अवैध वसूली का मामला सामने आया है, जिसके संदर्भ में BCMO सहित चिकित्सा प्रभारी स्टाफ व लेबर रूम प्रभारी से उक्त मामले में जानकारी ली जा रही है। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में प्रसूता महिलाओं से अवैध वसूली का मामला सही पाया गया तो संलिप्त दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही CMHO डॉक्टर कप्तान सिंह ने अस्पताल परिसर में गंदगी को देखकर नाराजगी जताई और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी अपने TST के लेबर रूम की, तो उस संदर्भ में और यहाँ पर जो भी समस्याएं हैं उनको किस प्रकार से हम सुधार कर इसमें बेहतर प्रबंधन कर सकें, उस संदर्भ में मैं आया हूँ। और मैंने यहाँ पर BCMO साहब और इंचार्ज महोदय और अन्य चिकित्सक हैं, लेबर रूम में भी इंचार्ज हैं, उनको बैठा के मैं बातचीत कर रहा हूँ। और अगर लेबर रूम में इस तरह का कुछ है तो नियमानुसार संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और अगर कोई ऐसा लगता है कि और सुधार की ज़रूरत है तो हम उसमें और सुधार करेंगे।